उस संबंध में हमारे धर्मगुरु हमारे बीच में हैं। हम धर्मगुरु से अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे वर्षावास के बारे में बताएं, जिससे आम जनता इसको ग्रहण करे और इससे क्या फायदे हैं और इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा। इंट्रोडक्शन जी, मेरा नाम बंते नंदा है, रहने वाला त्रिपुरा की हूँ। फिलहाल इसी बुद्ध विहार पे, प्रज्ञा बुद्ध विहार है विकासपुरी में, पिछले 10-11 साल से हूँ। और मेरे साथ ही बंते शिलानंद हैं, अभी काफ़ी कुछ महीना से हैं यहाँ पे, हम दोनों हैं और एक बंते थे, वो तो अभी कहीं गए हुए हैं, फिलहाल आज हम दो हैं। तो जैसे आपने पूछा है कि वर्षावास के बारे में, और वर्षावास क्यों रखना चाहिए, इसके महत्व क्या है, इसके रखने का क्या कारण है, ये वर्षावास भगवान बुद्ध के समय से शुरू हुआ है जी। भगवान बुद्ध के समय में शुरू तभी हुआ है जब कुछ बाहर से फीडबैक आया है, बाहर से कुछ कोई आपत्तिजनक बात आए हैं, इसलिए भगवान बुद्ध ने ये वर्षावास के जो सीजन है उस समय भिक्षु लोगों को एक जगह पे तीन से चार महीना बिताने के लिए बताते हैं जी। उस समय चार महीना बोलते, वर्षा चार महीना। पहले कुछ साल तो वर्षावास पालन नहीं करते थे भिक्षु लोग, भगवान बुद्ध के जो संघ है उन लोग वर्षावास पालन नहीं करते थे, इधर उधर घूमते थे। जैसे आप लोगों को पता है भगवान बुद्ध भिक्षु को आदेश देता है, जब 60 भिक्षु बन गए थे अराहत, तो आदेश देता है कि आप लोग चरण करो, चरत भिक्खवे चारिकम, भोजन हिताया भोजन सुखाया, ऐसे करके जो आदेश देता भगवान बुद्ध के चरण करो, लोगों के बहुतों के हित के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए, ये वाणी ये बुद्ध की जो शिक्षा है उनको लोगों तक पहुंचाओ जन जन तक। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए 12 महीना उन लोग चरण कर देते भिक्षु लोग। लेकिन उस समय जैसे जो जैन मुनि लोग हुआ करता था, उन लोग वर्षावास के समय कहीं नहीं जाते थे, उन लोग वर्षावास पालन करते थे और भिक्षु लोग इधर उधर घूमते थे। और उस समय क्या होता था वर्षावास के, आज भी आप देख सकते हैं कि नया नया जो ग्रास उग के आता है जी, और वर्षा के समय कीड़ा मकोड़ा निकल के आ जाता है ना। तो ये जो कीड़ा मकोड़ा भिक्षु लोग अगर चलता है ज़्यादा तादाद में, पैर के नीचे दब सकता है, और ये ग्रास वगैरह जो भी नया नया उगे आता है उसमें दब जाता है, तो वो भी खराब हो सकता है, खराब होता ही है। तब जाके उपासक लोग फीडबैक दिया कि ये शाक्यमुनि बुद्ध के शिष्य लोग वर्षावास में भी इधर उधर घूमते हैं, एक जगह पे नहीं बैठते हैं, ये नष्ट करते हैं, ये घास वगैरह को नष्ट करते हैं, ये कीड़ा मकोड़ा मर जाता है इनके पैर के नीचे, ऐसे करके चर्चा होने लगा, बोलने लगा हम लोग पीछे पीछे। तो ये बात जो है भगवान बुद्ध के कान तक पहुंचा। फिर भगवान उस समय बोलता है भिक्षु, चार महीने आप लोग एक जगह पे रह के अपना अभ्यास करना, और वहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी लाभान्वित कराना जी। जैसे भिक्षु के लिए एक महत्व है, चार महीना जो समय मिलता है, चार महीना में क्या करता है वो, मान लीजिए थेरेटिकल फिर प्रैक्टिकल लेवल पे वो और ज़्यादा अभ्यास करता है। अभी निर्वाण को साक्षात्कार नहीं हुआ तो वो निर्वाण को साक्षात्कार करने के लिए वो प्रैक्टिकल करता है, उसके साथ साथ उपासक के लिए क्या करता है उस धर्म के बाद बोलता है, और उपासक को क्या करता है उपोषित पालन करने का एक जरिया बना देता है, और उनको समझाता है कि उपोषित क्या होता है, कैसे पालन किया जाता है। ये जो महीना में अष्टमी पूर्णिमा और दो अष्टमी और पूर्णिमा अमावस्या जो है उसमें उपोषित पालन करने के लिए मौका देता है उपासक लोगों को, कम से कम चार दिन महीना में बुद्ध विहार पे आके आठ सील को पालन करके ध्यान साधना करके अपने जीवन को परिशुद्ध करने के लिए बताते हैं उसमें। बंदी जी, एक मैं सवाल करना चाहूँगा, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र क्या है, बोधों को ये क्यों मनाना चाहिए, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र क्या है,
बुद्धों को ये क्यों मनाना चाहिए? बुद्धों को क्यों मनाना चाहिए? धम्म चक्र सूत्र जो बात है, धर्म चक्र या धम्म चक्र पवत्तना जो बोलता पवत्त शुरू किया था क्या है, धर्म को चक्र के रूप में शुरू किया था क्या बुद्ध ने? जैसे आपको पता है वाराणसी में पंचवर्गीय भिक्षु को उन्होंने शुरू किया था, देखिए उपदेश दिया था ना, ये धर्म चक्र के बारे में उसने पूरा सार है भगवान बुद्ध के, जितना भी उन्होंने लाइफ स्पेंड बुद्ध होने के बाद जो शिक्षा दिए हैं जिसका हम 45 ईयर्स बोलता है, 84,000 खंड या ऐसे कुछ बोलता है, उसमें जितना भी है वो सार है अगर देखें तो धम्म चक्र प्रवर्तन में वो सब मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। और वो जो है निर्वाण को साक्षात्कार करने का ही जो मार्ग है वो बताया है, जिसमें आपको पता है अष्टांगिक मार्ग के बारे में है, चार आर्य सत्य क्या है, अष्टांगिक मार्ग क्या है वहाँ पर बताता है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, ये जो है दुखों से छुटकारा दिलाने का एक ही मार्ग है, इसको हमें मनाना इसलिए चाहिए। अगर भगवान बुद्ध इस मार्ग को हमें अनुकंपा करके ना दिए होता तो हम नहीं मिलते। ये कितना इम्पोर्टेंट है आप देखिए, अगर उनके सीमित तक वो रख दिया होता कि हम किसी को नहीं बताएंगे, मैं जो ज्ञान मिला है ये बहुत गंभीर ज्ञान है, किसी को नहीं बात के मैं खुद रखूँगा, ऐसे करके अगर सोचा होगा तो हम आज उस धर्म के बारे में जानने को मौका नहीं मिलता। इसलिए हमको मानना चाहिए। और ये जो हमारा मेन पिलर है या मेन बाट है जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में, इसको हमें बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए। देखिए बंदे जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आषाढ़ पूर्णिमा से बरसवारा जो आप चल रहा है जो आरंभ होता है, ठीक है, और अश्विनी पूर्णिमा तक पूर्णमासी तक ये चलता है जी, और समाप्त होता है। इसके लिए इसको चतुर्मास भी कहा जाता है, तो इसका महत्व थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों के लिए बताएंगे। अभी जैसे बताया है कि चार महीना भिक्षु के लिए जो एक जगह पर है कि ध्यान साधना करने का, और उपासक उपासिका के लिए चार महीना, देखिए वैसे 12 महीना तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है जी, बट 4 महीना मान लीजिए आप 12 महीना में 4 महीना भी निकल पाया जी, उस 4 महीना में आप महीना में 4 उपोषद भी रख पाया, 4 भी नहीं 2 भी रख पाया मान लीजिए उपोषद, पूर्णिमा और क्या बोलता अमावस्या में 8 सील को पालन करके, एक दिन 8 सील पालन करके जिसको हम बोलता है उपोषद सील या अनागरिका सील जो बोलता है जी जी, बुधविहार पे रह के या आप घर में अगर व्यवस्था हो तो वो भी कर सकता है, शायद आज करते हैं आजकल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो बुधविहार पे आके अगर करें तो बहुत अच्छा है। उसमें क्या आप सिलों को जानकारी ले मिलेगा, सिल के बारे में प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा, फिर समाधि के अभ्यास करने को मौका मिलेगा, फिर प्रज्ञा को कैसे डेवलप करें उसको मौका मिलेगा। ये 4 महीना उपासक के लिए भी और भी अच्छा मौका है। अदरवाइज बाकी दिनों में देखिए, आप मान लीजिए आप भिक्षु नहीं आपके एरिया में, कभी कभी चलते चलते आपकी आपके यहाँ आ गया, 2-4 दिन के लिए रुका, उतना आपको मौका मिल जाता है। आपकी बुद्धिहार पे अगर कोई भिक्खू आके रह रहा है 3 महीना या 4 महीना तो आपको 4 महीना तो मौका मिल रहा है जी, है ना, तो यही है इम्पोर्टेंट, यही मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।